बता, मैं ढूंढ रहा डिस्गस्टिंग केक बेटा। एक आपका क्वेश्चन नंबर था जी 28, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 28 बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 सेट ए का है, ये मैं जरूर सॉल्व करना चाहूंगा। बाकी तो चलो आपको सब आता ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ जी बेटे, ओके नाइस। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, पहले ध्यान दीजिएगा। ए बल्ब ऑफ 100 वॉट, ये दो बच्चे कल पूछ भी रहे थे। ए बल्ब ऑफ 100 वॉट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन आइडियल इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। एक बल्ब है आपको दिया गया, इसकी पावर बच्चों 100 वॉट है, एक इंडक्टर आपको दिया हुआ है 1 हेनरी, आइडियल इंडक्टर है ये। इस बल्ब को इस इंडक्टर के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, एंड द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू ए 90 वोल्ट बैटरी थ्रू ए स्विच। एक 90 वोल्ट की बैटरी के साथ ये सिस्टम को आपने विद द हेल्प ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ए स्विच अटैच कर दिया। अब आपको बताना है आगे क्या पूछा है उन्होंने। ऑन प्रेसिंग द स्विच द बल्ब, ऑप्शंस में है, डज नॉट ग्लो, इट ग्लोज आफ्टर ए शॉर्ट टाइम एंड देन कॉन्टिन्यूज टू ग्लो, एंड इट ग्लोज फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड देन स्टॉप्स ग्लोइंग। मैं पहले आपकी हेल्प के लिए डायग्राम बना देता हूं, उससे ज्यादा हमें इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको ये डियर चिल्ड्रन एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है जी, कुछ इस तरीके का बल्ब, आप उसका सिंबल बनाया करते हो, सर्किट सिंबल, और आइडियल इंडक्टर आपको एक 1 हेनरी जिसकी इंडक्टेंस है ये दे रखा है, इट इज 1 हेनरी, इसका पावर 100 वॉट है। डिफरेंट डिफरेंट वॉटेज के बल्ब आते हैं, 100 वाट का, 60 वाट का, 40 वाट का, 30 वाट का, 36 वाट का, आजकल तो आपके वो आने लगे हैं ये वाइट वाले, क्या बोलते हैं इसको, LEDs, यस। तो इन्होंने तो इन बल्ब्स को अब खत्म ही कर दिया है लगभग। 90 वोल्ट की बैटरी है, ये इमेजिन कर लीजिए, बैटरी आपने अटैच कर रखा है 90 वोल्ट का, और यहाँ पे एक स्विच आपको दिया गया है, और ये आपका सारा सिस्टम इस तरीके से लगा हुआ है, राइट जी। अब आपको उन्होंने कहा है कि आपने स्विच ऑन कर दिया अपना सर्किट, इसको इसके साथ कॉन्टेक्ट में आप ले आए हो। द मोमेंट यू आर मेकिंग द कॉन्टेक्ट, वट डू वी एक्सपेक्ट दैट की बल्ब ग्लो करेगा, जैसे मैंने ऑप्शन बोली ऑलरेडी। पहली ऑप्शन है बच्चों द बल्ब डज नॉट ग्लो, दूसरी ऑप्शन है द बल्ब ग्लोज, ये तो सिंपल हो गई। तीसरी ऑप्शन दी हुई है द बल्ब ग्लोज आफ्टर ए शॉर्ट टाइम एंड देन कॉन्टिन्यूज टू ग्लो, एंड फोर्थ है इट ग्लोज फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड देन बेटा इट स्टॉप्स ग्लोइंग। तो व्हाट डू यू से, व्हाट आर योर ओपिनियन, इट विल ग्लो, वेरी नाइस। एनी अदर आंसर, इफ यू आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन यू आर मोस्ट वेलकम, एंड इट इज, इट ग्लो करेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। क्यों ग्लो करेगा, रीजन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपना पॉइंट। हाँ, वेरी नाइस। हाँ जी राधिका, अच्छा तुक्का ही मारा है, वैसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप। उत्तर एनीवन फ्रॉम योर साइड बेटे, बताइए। इन दो बच्चों ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा इनका एफर्ट देख के। सो फिर भी अगर कोई आपका डिफरेंट ओपिनियन है तो आप बता सकती हो बेटा। नहीं, हाँ जी, इट विल ग्लो आफ्टर शॉर्ट टाइम, गुड, अगेन गुड, एंड हाउ विल यू जस्टिफाई दिस बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इंडक्टर
पैरेलल में लगा हुआ है, इसकी पावर बहुत ज्यादा है बल्ब की, इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, ठीक है जी। अब आप इन पॉइंट्स को अगर देखो, यहां पे इन पॉइंट्स को देखो, इंडक्टर सिर्फ 1 हेनरी का है, कोई ज्यादा बड़ा ये रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा। मोर ओवर एक बात और उन्होंने लिखी है, एक वर्ड उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है, आइडियल इंडक्टर, आई थिंक मैंने बोला है ना, आइडियल इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। आइडियल इंडक्टर का डियर चिल्ड्रन मीनिंग होता है कि इसका रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, इसकी कैपेसिटेंस कुछ नहीं है, ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट ही है, इंडक्टिव प्रॉपर्टीज ही पोजेस कर रहा है। इसका मतलब बेटे ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस जीरो है, द मोमेंट यू विल स्विच ऑन दिस स्विच आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट विल ट्राई टू प्रेफर थ्रू दिस पाथ, करंट इधर जाएगा ही नहीं। सिंपल बात है, करंट ज्यादा रेजिस्टिव पाथ पे क्यों जाएगा, उसको तो इजी रेजिस्टिव पाथ चाहिए होगा। आपका करंट यूं गया और यूं वापस आ गया, इधर उसने जाना ही नहीं है, सो इट विल नॉट ग्लो एट ऑल, राइट बेटा। इस चीज का खास ध्यान रखना है, एक आधा क्वेश्चन शॉर्ट सर्किट का जरूर पूछ लिया जाता है, ये किसी प्रीवियस ईयर में था इसीलिए आपको यहाँ पे मिला। मैं रिपीट कर देता हूं, एक मिनट वेट करिएगा। आपका ये 100 वॉट का बल्ब है, इसकी ये डायरेक्ट बेटा मतलब ये हुआ कि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो जरूर होगा, जीरो तो नहीं हो सकता है ना बेटा। लेकिन जो आपका आइडियल इंडक्टर है, बिकॉज द वर्ड आइडियल हैज बिन यूज, इसका रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली जीरो होगा आइडियल का। इसका मतलब ये हुआ, द मोमेंट यू आर मेकिंग दिस स्विच टू वर्क, आपका करंट यहाँ से स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, एंड इट विल कम बैक अप टू द नेगेटिव, और आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। एक सेकेंड बेटा, इट विल बी द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड द बल्ब जो है बेटा इट विल नॉट ग्लो एट ऑल। हाँ जी पुत्र, हाँ जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सिंपल आप देखिए बेटे, सारे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, आप लोअर क्लासेस से रेजिस्टेंस और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते आ रहे हो कि जिस पाथ का रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा होता है, जिस पाथ का रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम होगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये पाथ में तो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, करंट विल नॉट प्रेफर टू गो टू दैट पाथ। जीरो तो नहीं कर सकते आप, इसका तो है ही जीरो, दैट्स व्हाई इट विल नॉट ग्लो। किसकी? इसकी अगर होगी तो ग्लो करेगा। अगर उन्होंने, लिसन डियर चिल्ड्रन, अगर वो आइडियल वर्ड नहीं यूज करते तो आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा, अगर वो आइडियल वर्ड यूज करते हैं देन इट विल नॉट ग्लो एट ऑल, राइट। नहीं, स्टॉप तो नहीं करेगा ना फिर, हाँ फिर तो ग्लो करता ही रहेगा, राइट जी। देन डियर चिल्ड्रन, एक और छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 प्लीज नोट कर लीजिएगा आप लोग सारे बच्चे, अगर किसी ने ऑलरेडी आता है तो बड़ी खुशी वाली बात है, नहीं आता या नहीं किया तो जरूर देख लीजिएगा, इसी सेट का ये भी। शंट रेजिस्टेंस नीडेड टू कन्वर्ट 1 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, आपको 1 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का मतलब है IG आपको 1 मिली एम्पियर दे रखा है, इनटू द शंट रेजिस्टेंस नीडेड टू कन्वर्ट 1 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, कैपिटल जी आपका 100 ओम है, एंड 100 ओम इंटू एन एम मीटर टू रीड 1 एम्पियर, इसको आपने 1 एम्पियर रेंज के एम मीटर में कन्वर्ट करना है, आपका आई जो है इट विल बी 1 एम्पियर। आपको शंट कितना चाहिए होगा, दिस इज नीडेड, शंट एस आपका IG इंटू जी आई
माइनस आई जी हुआ करता है। कल कोई स्टूडेंट ये पूछ रहा था, तो दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग इट। एस विल बी इक्वल टू 10 रेस पर माइनस 3 मिली एम्पियर में था। कैपिटल जी आपका 100 है जी, आई आपका 1 है, आई जी आपका 10 रेस पर माइनस 3। लेट मी सॉल्व इट फर्दर। इट विल बी इक्वल टू 10 रेस पर माइनस 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 1000। एंड एस शंट आपका जो है 10 रेस पर माइनस 3 अपॉन 100 1000 माइनस 1 बाई 1000 डियर चिल्ड्रन। एंड इट विल बी 10 रेस पर माइनस 3 इंटू 100 10 रेस पर 3 डिनोमिनेटर वाला ऊपर आ गया डिवाइडेड बाई 999 राइट। ये आपका खत्म हो गया। और अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दूं इसकी, इट विल बी टर्निंग आउट टू बी एस विल बी 100 अपॉन लगभग ये 1000 है, इट विल बी इक्वल टू 0.1 ओम बेटा। सो ये हमारा था छोटा छोटा काम जो करने वाला था। नाउ बेटे विदाउट टेकिंग योर टाइम फर्दर, आई जस्ट स्विच ओवर टू अवर न्यू कंसेप्ट बेटा। वी विल बिगिन विद ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हमारा सिलेबस वहां से स्टार्ट होता है। रिफ्रैक्शन के बेसिक्स बेटे स्टार्ट करेंगे और आप अकॉर्डिंगली अपना काम करते रहिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका ऑप्टिक्स वाला यूनिट इस टर्म में नहीं है, हम एक ये वाला यूनिट कंप्लीट कर लेंगे विद इन 10 or 12 डेज, देन वी विल कम बैक टू द रिवीजन पार्ट, फिर आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, देन हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेंगे। ये टाइम हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज आपका टाइम उस टाइम पे सेव हो जाए। सो डियर चिल्ड्रन आइए स्टार्ट करें ऑप्टिक्स हमारा, और ऑप्टिक्स में भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट करेंगे। लेट अस सी व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटे बड़ा सिंपल सा आइडिया है, सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन का बेटे बेसिकली मतलब होता है कि लाइट के पाथ में चेंज आ जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। लाइट रेज की फॉर्म में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अगर ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, दोनों मीडिया जो है आपके एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला, इनकी जो ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं ये अलग होनी चाहिए। ऑप्टिकल डेंसिटी एक नया वर्ड हमने यूज कर लिया, ऑप्टिकली डेंसिटी वर्ड हम बेटे यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। इसको हम पकड़कर, मीडियम को पकड़कर उसका मास और वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी विल सिंपली से दैट बेटा कि ऑप्टिकली जो डेंसर मीडियम है ये वो वाला मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वो वाला मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बेटे ज्यादा होती है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना बाई विच ए रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट एंटर्स from one medium into another medium बेटे। आइए थोड़ा और इसके बारे में डिस्कशन करके देखें कि वन मीडियम एंड द अदर मीडियम ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं।
ये आपने एक बाउंड्री, शार्प बाउंड्री इमेजिन किया जो दो अलग अलग मीडिया को सेपरेट कर रहा है। मीडियम का प्लूरल मीडिया हम यूज किया करते हैं। इमेजिन कर लीजिए ये आपका मीडियम एयर है और मान लीजिए ये वाटर है। इनको जो सेपरेट कर रही बाउंड्री वो सरफेस ही हो गई बेटा। वो तो एक तरीके से आपका ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बेटे कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड हेयर लाइज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बेटा। जिस पॉइंट पे आपका इंसिडेंट रे आपके बाउंड्री के साथ आकर स्ट्राइक कर रहा है इसको आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलोगे। और यहाँ पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, राइट एंगल लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया है, वी कॉल दिस एज एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा। अगर आप इन दोनों मीडिया को देखो बेटे, एयर में स्पीड ऑफ लाइट आपका 3 × 10⁸ m/s होता है, पानी में 2.25 × 10⁸ m/s होता है। पानी में स्पीड कम है, इट विल मीन दैट कि पानी एयर के कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम हुआ बेटा। और आपका रे ऑफ लाइट इस मीडियम में एंटर करते ही अपना पाथ बदल लेगा, चेंज कर लेगा। और अगर पाथ में चेंज आ रहा है तो आप इसको बेटा कुछ इस तरीके से डिपिक्ट कर सकती हो, शो कर सकती हो। अगर तो मीडियम सेम होता, रे ने ऐसे ही चले जाना था, अब क्योंकि मीडियम बदल गया आपके रे ने अपना पाथ भी बदल लिया। और ये वाला एंगल आपका जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। मैं अगर डिटेल में लिख दूं, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये वाला जो है, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये नॉर्मल तो चलिए लिखा ही हुआ है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ कहलाएगा, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे यहां पे आ जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, इंसिडेंट रे आपका बेटे जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आया तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। और इसका उल्टा भी इक्वली एप्लीकेबल होगा। अगर आपका इंसिडेंट रे डेंसर टू रेयर मीडियम बेटे प्रोपेगेट कर रहा है तो वी एक्सपेक्ट इट टू गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से ये दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आइए मैं वो भी केस आपको बना के बता देता हूं। इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास एक बाउंड्री है जो ग्लास को, ट्रांसपेरेंट ग्लास को और एयर को सेपरेट कर रही है। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट 2 × 10⁸ m/s होती है, एयर में 3 × 10⁸ m/s। इट विल मीन दैट कि ग्लास आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू द एयर। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि डेकोरेशन कई जगह पे की होती है, ग्लास के अंदर एलईडी लगे होते हैं। इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट पड़ा है, ये वाला। इस सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइट का रे इस तरीके से ट्रेवल किया और यहाँ पे जब ये जाके स्ट्राइक करेगा, वी विल कॉल दिस एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बेटा। ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। डेंसर टू द रेयरर वी एक्सपेक्ट इट टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहलाता है। सो दोनों केसेस को देख लीजिए बेटे आप कंपेरेटिवली, रेयरर टू द डेंसर टू वर्ड्स द नॉर्मल। मैं लिख भी देता हूं, रेयरर टू डेंसर इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड टू वर्ड्स द नॉर्मल, एंड डेंसर टू रेयरर इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेटे। तो ये छोटी सी चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि रे ऑफ लाइट कैसे बेंड करेगा और क्या हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। अब एक बड़ी और सिंपल सी बात बेटे सामने आती है, हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है और हमारे लिए वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। लेट अस बी कंसंट्रेट अपॉन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
ये वाले पार्ट को रब कर दूं मैं बेटे, ये वाला जो है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दीज लॉज बेटे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इनमें सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, दीज ऑल लाई इन वन प्लेन। सेकेंडली रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, या स्नेल्स लॉ भी कह देते हैं। सो ये आपके पास दोनों लॉज आ जाते हैं। फर्स्ट लॉ है बेटा इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन वन प्लेन। सेकेंड लॉ हमें कह देता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। ये आपका बेटे कॉन्स्टेंट होता है, इस कॉन्स्टेंट को आप बोल देते हैं म्यू। मीडियम अगर चेंज, बिल्कुल बिल्कुल बेटे बिल्कुल, वी विल स्टडी इट इन डिटेल, लेट अस सी हाउ वी कैन डील विद दिस बेटा। साइन आई अपॉन साइन आर, ये डायग्राम मैंने इसलिए मिसरब किया, आई और आर दोनों आपके सामने है, साइन आई एंड साइन आर, दिस इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम कौन सा है, वॉटर, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके बराबर आ जाएगा। इसको आप स्नेल्स लॉ भी कह देते हैं, स्नेल्स लॉ बेटा, आपने लोअर क्लासेस में बड़े जोर शोर से ये पढ़ भी रखा है। हाँ जी बेटे, कर रहा हूँ वो, उसी पे आ रहा हूँ बेटे मैं, एक मिनट प्लीज वेट कर लीजिएगा। सो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, उस कॉन्स्टेंट को हमने बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से डिनोट कर देते हैं, इसको स्नेल्स लॉ भी कह देते हैं। जैसे ये आप लोग बता ही रहे हो कि जी इसको एयर और वाटर लिखो, उसके लिए मैं थोड़ा और आपके इस क्वेश्चन के जवाब देने के लिए आगे आपको डिस्कशन में ले चलता हूं। हमारे पास दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं बेटा, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटे लेट अस बेटी नो मोर अबाउट म्यू। दो तरीके के आपके पास बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, एक होता है आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकेंडली आपके पास होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट वर्ड आप तब यूज करते हो जब वन ऑफ द मीडियम एयर हो, जैसे यहां पे आप बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर में, यहां पे आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर, दिस इज एब्सोल्यूट इन इटसेल्फ। इसको आप ऐसे भी बच्चों लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर सिंपली ऐसे भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, राइट जी। लेकिन जब आप पानी और ग्लास, ये देखिए अभी स्फीयर में आपका एयर नहीं है, उस केस में आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट वी विल कॉल एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं फिर से अगर बोलूं बेटा,
अगर एक मीडियम एयर है, दो मीडिया होते हैं ना आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, अगर एक मीडियम एयर है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट होगा, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर दोनों मीडिया विदाउट एयर कोई और हैं, ग्लास हो गया, पानी हो गया, या ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, या ग्लास की भी आगे कितनी टाइप्स हैं, कोई ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, कोई कम वाला है, तो वहां पे आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये पानी है और यहाँ पे आपके पास है ग्लास, जरा ध्यान से देखिएगा, पानी में स्पीड ऑफ लाइट 2.25 × 10⁻¹ मीटर/सेकेंड, ग्लास में 2 × 10⁻¹ मीटर/सेकेंड, ग्लास ऑप्टिकली डेंसर है इन कंपैरिजन टू द व्हाट, वाटर। तो इट विल मीन दैट ये इंसिडेंट रे आ रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये नॉर्मल, ये आपका इंसिडेंट रे, रेयर टू द डेंसर, वी एक्सपेक्टेड टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंगल आर, राइट। यहां पे बात नोट करने वाली है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा इट विल बी ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर से ध्यान दीजिएगा, मेरा बोलने का और लिखने का ऑर्डर जो है उसको देखिएगा ध्यान से, आपका रे पानी से ग्लास में आ रहा है, हम लिख क्या रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास मैंने बोला पहले, लिखा नीचे है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटे जो है ये आपके दोनों जो मीडिया हैं इनकी रिलेटिव आपको डेंसिटी के बारे में इंटीमेट कर देता है। आइए मैं थोड़ा और आगे बेटे आपको और इलेबोरेट कर दूं इसको, इसके साथ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ बेटा कनेक्ट करके बता देता हूं। थोड़ा सा बेटे ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट करिएगा, इसको मैं उठा रहा हूं यहां से बेटे, ये जो है दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, मेरे बोलने का लिखने का ऑर्डर आपने नोट किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको आप ऐसे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, और ये एब्सोल्यूट है ना, ये भी एब्सोल्यूट है, तो ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की रेशियो की टर्म्स में आप लिख सकते हो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, एक तो स्नेल्स लॉ से आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, सेकेंडली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू जो है इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यहाँ पे हम बात कर रहे थे पानी की और एयर की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना बेटा। और जब आप बात करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा बेटा, ये दोनों एक्सप्रेशंस को मैं इसमें यूज कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये था ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये लिख दूं मैं सी अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास डिवाइडेड बाय वाटर का है सी अपॉन वेलोसिटी इन वाटर आ गया बेटा। रीअरेंज कर दें अगर टर्म्स को, थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर सी अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन वाटर अपॉन सी, सी इज गेटिंग कैंसिल बेटा, और आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये और ये उल्टे हो गए। अब फिर से ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, स्पीड की टर्म्स में स्पीड पानी पानी वाली ऊपर आ गई है, तो ये चीजों का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, देन वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट दीज ऑल एज सच। सो देखिए बताइए, कोई डाउट वाली बात लग रही है तो मुझे जरूर बताइए, सो दैट वी कैन डिस्कस इट बेटा, और अदरवाइज वी विल प्रोसीड अहेड विद द डिस्कशन। यस,
बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। आइए थोड़ी और बात करें। हमारे पास एक बेटे छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। 2 मिनट लूंगा आपके, मैं वैसे भी टाइम फिर आपका कंप्लीट हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आप लोगों ने इमेजिन किया कि एक बाउंड्री है बच्चों, ये बाउंड्री एयर को पानी से बेटे सेपरेट कर रही है। एयर को मैं मीडियम नंबर 1 कह देता हूं, पानी को मैं मीडियम नंबर 2 कह देता हूं। आपका इंसिडेंट रे एयर से आ रहा है, ये आपका नॉर्मल बन गया जी, रेयर टू द डेंसर टुवर्ड्स अ नॉर्मल। यस, तो ये आपका एंगल आर आ गया यहाँ पे। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इस रिफ्रैक्टेड रे के बिल्कुल नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलरली, एक मैंने प्लेन ग्लास मिरर प्लेस किया, ठीक है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है प्लेन ग्लास पर नॉर्मल के अलोंग फॉल कर रही है। इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस इस मिरर के लिए कितना हुआ? ओए होए होए होए, 0 हुआ बेटे, नॉर्मल के अलोंग आ रही है। ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल के अलोंग कोई रे आए तो 0 नहीं हुआ है ना। सो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल 0 हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में 0 हो गया। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? वो भी 0। हम नहीं कहते, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, राइट। रिफ्लेक्टेड रे आपका वापस चला गया ऐसे ही, जब ये यहां पहुंचेगा इसको आगे रेयर मीडियम मिल रहा है, इट विल बेंड। यस, अब बात ठीक हो गई है। तो ये आपका एंगल आई था। अब ध्यान से देखिएगा, जो रे आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इट इज साइन आई बाई साइन आर। जो वापस जा रहा है बैक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, साइन आई कितना हो गया अब? आर। साइन आर कितना हो गया? आई। इसको 1 इसको 2 कह दो, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 एंड 2 को, एंड लेट अस कंसंट्रेट व्हाट डू वी गेट। और आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इसको आइए करके देखें। 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये कट जाएंगे सारे फैक्टर्स, 1 के बराबर आ गया बेटा। इसको बोल देते हैं बेटे कि अगर आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, थैंक यू ऑल बेटा।